छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहां देश भर के 50 से ज्यादा महापौर 3 दिनों तक अपने क्षेत्रों में विकास के आइडिया पर बातचीत करते रहे। अब आगरा और बड़ोदरा के महापौरों ने अपने शहर के लोगों के लिए कुछ नया करने की ठानी है। अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन परिषद के अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन की अगुवाई में हुआ। उन्होंने बताया कि अब वो आगरा के लोगों के लिए जल्द ही एक नई सुविधा करने जा रहे हैं। अब आगरा के कचरे से बिजली बनेगी। आगरा का ताजमहल और पेठा देश भर में मशहूर है। अब कचरे से बिजली बनने से भी आगरा रोशन होगा। जैन ने बताया कि इससे करोड़ों की आमदनी, जनता को सुविधा देने में ये पैसा काम आएगा। अब हम आगरा में हर दिन निकलने वाले कचरे से बिजली बनाने जा रहे हैं। जल्द ही इसके लिए आगरा में प्लांट लगेगा। बिजली पैदा करने के लिए 2000 टन कचरे की जरूरत होती है। आगरा में हर रोज 50,000 पर्यटक आते हैं। शहर में 1,000 टन कचरा निकलता है। वहीं हम आसपास की पंचायतों से, नगर पालिकाओं से और 1,000 टन कचरा लेंगे। इससे बिजली बनेगी। वहीं आगरा की गलियां, वहां के टूरिस्ट स्पॉट इस बिजली से रोशन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।